प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। तू पसंद है किसी और का, तू पसंद है किसी और का, तुझे मांगता कोई और है। तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती में, और मैं हूं विपिन यादव। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपके रेलवे टारगेट क्लास का ये तीसरा वीडियो, जिसमें हम RPF के लिए बता रहे हैं, RPSF के लिए बता रहे हैं, और अगर आपने SSC GD का भी फॉर्म डाला है और आप इसके भी एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। और हाँ दोस्तों, आप मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं, मैंने वहाँ बहुत सारे कोर्सेज करा रखे हैं, तो वहाँ पर आप जाके मुझे फॉलो कीजिए, विपिन कुमार के नाम से फॉलो कीजिएगा, वहाँ सर्च कर सकते हैं। अनअकैडमी का एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, विपिन कुमार के नाम से सर्च करके मुझे फॉलो कर सकते हैं, और वहाँ पूरा वीडियो आप देख सकते हैं, पूरा फुल्ली चैप्टर मैंने वहाँ पर पढ़ाया है और बिल्कुल निःशुल्क है, आप देख सकते हैं वहाँ पर। दूसरी चीज़ें मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, आप वहाँ से भी जाके आप वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो को देखने के बाद चले जाइएगा और देख लीजिएगा। आज हम शुरू करते हैं आपका आगे का क्लास। अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे लाल कलर में सब्सक्राइब बटन होगा, उसे दबा लीजिए, बगल में बेल आइकन आएगा उसे भी दबा लीजिएगा। इससे क्या होगा कि मैं जो भी वीडियो डालता हूँ सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। तो चलिए, आज का क्लास हम शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज का क्लास। और आइए दोस्तों, आज का क्लास हम शुरू करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन देखिए, ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जब बट्टा पर बट्टा लगातार तीन चार बट्टा वाला सवाल आ जाए ना, तो सबसे पहले क्या करिए, ये देखिए नीचे से काम करना शुरू कर लीजिए, सबसे नीचे वाला बट्टा से। 6 36 36 में से एक गया 35/6, इसको क्या बोलेंगे हम, 35/6। अब ये बताइए, ये बट्टा मेन हो गया इन दोनों के बीच में, तो ये नीचे वाला 6 जाके 1 में गुना हो जाएगा। 6 कहाँ गुना हो जाएगा, 1 में, तो 6 × 6 हो जाएगा। अब 35 × 70, 70 में से 6 गया 64, 35 × 70, 70 में से 6 गया 64, यानी 64/35 कहेंगे। अब एक बात ध्यान देना है, ऊपर में देखिए 2 × 5 = 10 और 1 = 11/5, ये कितना है, 11/5 है। ये देखिए 7 × 7 = 2 = 9/7 है, ये कितना है, 9/7 है। 7 × 5 का LCM कितना हो जाएगा, 35। अभी 8 − 8 × ये देखिए 7 × 5 का LCM 35, तो 5 से 35 को काटेंगे 7 बार में, तो 11 × 7 कितना हो जाएगा, 77। 7 से 35 को काटेंगे, 7 से 35 को काटेंगे 7 बार में, तो चलिए 7 से 35 को काटेंगे 5 बार में, तो 5 × 9 कितना, 45, यानी घट जाएगा, 7 में से 5 गया 2, 7 में से 4 गया 3, यानी यहां आ जाएगा 32/35, और ये मेन बट्टा 64/35, 64/35। अब आ जाइए, इस पूरे पर हमने लगा दिया रूट, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये 8 बताइए, 8, अच्छा एक बात यहाँ आपको समझाते हैं, इतना में भाग कर रहे हम इतना से, आ गुना में ले जाएंगे तो पलट जाएगा, तो पलट जाएगा, तो ये पलट के क्या हो जाएगा, 35 ऊपर 64 नीचे, यानी 35 ऊपर और 64 नीचे, यानी इतना माइनस 8 आ गुने, अब ऐसे समझना है, 32 × 64, 35 से 35 गया, 2 से 8 को काट सकते क्योंकि माइनस बाउंड्री है यहाँ, 2 से 8 को काटे 4 बार में। अब 8 में से 4 घटा तो रूट के अंदर 4 बचा, और 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है,
बढ़ते हैं हम अगले सवाल पर। तो चलिए देखते हैं अब इस क्वेश्चन को, जरा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपके सामने है। ऐसा क्वेश्चन जब भेटा जाएगा पॉइंट पॉइंट वाला यानी दशमलव वाला क्वेश्चन, तो सबसे पहले दिमाग लगाइएगा, दशमलव के बाद अंक गिन लीजिएगा, दशमलव के बाद एक दो तीन आ तीन छ आ दो आठ, नहीं आठ अंक है दशमलव के बाद ऊपर में, नीचे भी देखिए देखिए देखिए, यहां देखिए चार आ तीन सात आ एक आठ, दशमलव के बाद नीचे भी आठ अंक है और दशमलव के बाद ऊपर भी आठ अंक है, बराबरे ना हुआ, आठ अंक ऊपर भी आठ अंक नीचे भी, दशमलव भूल जाइए, दशमलव भूल जाइए, अब समझिए दशमलव है ये नहीं है। इक्यासी का वर्गमूल होता है नौ आ 324 का होता है 18 आ 4624 का वर्गमूल 68 आ सुनिए सुनिए 15625 का वर्गमूल 125 आप लोग निकाल लीजिएगा, मुझे पता है इसका 17 आ 27 का 27 आ 64 का होता है 8। अब काटते हैं, अगर 9 से 9 दूना 18 9 तिया 27 काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 3 तिया 9 भी काट सकते हैं। अब आ जाइए 17 से काट सकते हैं, 17 चौके 68। अब एक बात बताइए, ये 4 दूना 8 आ ये 2 से ये 2 कट गया, ऊपर बचा 3 नीचे बचा 125, एक काम किया जाए, 125 से भाग देना है 3 में, थोड़ा हार्ड लग रहा है, तो एक काम करिए 125 को अगर 8 से गुना कर दीजिएगा तो 1000 हो जाएगा, 1000 आ ऊपर वाला को 8 से गुना कर दीजिएगा तो 8 तेरी 24 हो जाएगा, आ नीचा से 3 जीरो हटाना है तो ऊपर 3 अंक बाद दशमलव हटाना है, सुनिए सुनिए 24 लिखने के बाद 3 अंक बाद दशमलव, बस यही तो आपका आंसर हो गया, आपका आंसर ऑप्शन सी में है, देख लीजिए एक बार। और हम बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अब सोच रहे होंगे 8 से काहे गुना की, अरे ऊपर नीचे 8 से गुना करने पर कौनो दिक्कत, जितना ऊपर में गुना जितना से उतना से ही नीचे में गुना तो कौनो दिक्कत नहीं। अब हमारा अगला सवाल है, देखिएगा बड़ा जबरदस्त सवाल क्या है, देखिए सुन लीजिए एक बार। एक प्रकार की मिश्र धातु में सीसा तथा टीन का अनुपात 5:6 है, तदनुसार उस अनुपात को 1:1 करने के लिए इस मिश्र धातु के 12.1 किलोग्राम में कितना सीसा और मिलाना चाहिए। सवाल सुन के दिमागे खराब हो जाता है विद्यार्थी का पहले, अगर एग्जाम में भेटा है तो, लेकिन एक बात सुनिए बहुत आसान है। एक प्रकार के मिश्र धातु में सीसा और टीन, एक प्रकार के मिश्र धातु जिसमें सीसा है और टीन है और इनका रेशियो दिया हुआ है 5:6 में, सवाल कहता है उस अनुपात को 1:1 करने के लिए, मतलब इसी को 1:1 करना है, मतलब क्या बराबर करना है, 1:1 तभी ना होगा जब दोनों बराबर होगा। जैसे सुनिए, अगर कोई 12 किलो सीसा और 12 किलो रहेगा टीन और दोनों को काटिएगा तो 1:1 होगा कि नहीं, 12 से ही भी एक बार में, 12 से ही भी एक बार में, यानी कि जब दोनों की मात्रा बराबर होगा तो रेशियो 1:1 का जरूर होगा। तो आइए हम कह इस सवाल का कहना यह है कि दोनों को बराबर कर दीजिए, 1:1 करने का मतलब कि दोनों को बराबर कर दीजिए। तो इसके लिए पूछा है कि मिश्र धातु के 12.1 किलोग्राम में कितना सीसा और मिलाना पड़ेगा। आप यहां देख रहे हैं सीसा की मात्रा कम है और टीन के मात्रा ज्यादा है, एक बात बताइए अभी सीसा कितना है 5, कुल कितना मिश्रण में 11 में, और टीन कितना है 6, कुल कितना मिश्रण में 11 में, इसको इसको बराबर करना है, ये 5/11 है, इसमें 1/11 सीसा और ऐड कर देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा, सिंपल सा बात, ये 5/11 है, ये 6/11 है, ये दोनों का रेशियो हमें बराबर करना है, क्योंकि बोला है कि मिश्रण को 1:1 करना है, यानी सीसा और टीन का रेशियो 1:1 करना है, तो ये 5/11 है, ये 6/11 है, तो सीसा कितना ऐड करे कि दोनों बराबर हो जाए,
यानी 6/11 ये है, अगर ये भी 6/11 हो जाए तब तो कोई दिक्कत नहीं, तो इसमें मात्र 1/11 अगर ऐड कर देंगे तो हो जाएगा इसके बराबर। अगर आपको समझ में नहीं आता है कि भाई 1/11 कैसे आप ऐड करिएगा, तो सुनिए हम ऐसे करते हैं, इसको बराबर करना है ना, तो हम मान लेते हैं इसमें एक्स के जी ऐड करेंगे तब हो जाएगा इसके बराबर, तो अब ये जाके उधर घटेगा, तो x बराबर 6/11 में से 5/11 घट जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 1/11। अब x का वैल्यू 1/11 यानी हमें 1/11 के जी सीसा मिलाना पड़ेगा, और मतलब 1/11 भाग मिलाना पड़ेगा कहिए, और आपको दिया हुआ है 12.1 किलोग्राम मिश्रण है, तो उसमें कितना सीसा होना चाहिए यानी मिलाने के लिए, तो इसी का 1/11 मिला देंगे। सुनिए ये 121/10 लिख सकते हैं, क्योंकि 0.1 अंक के बाद है तो बट्टा में हो गया 10, और सुनिए 1/11 11 से काट दिए, 11 है 121 यानी 1.1, अगर 0 हटाएंगे 0.1 अंक बाद, इतना के जी मिलाना पड़ेगा सीसा, 1.1 के जी, यानी आपका आंसर ऑप्शन ए होता है। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए हमारा अगला प्रश्न है और देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, जरा देखिए आप लोग भी। 75 नंबर सवाल कहता है, यदि m संख्या का औसत n स्क्वायर है और n संख्या का औसत m स्क्वायर है, तो m प्लस n संख्या का औसत कितना होगा। एक बात बताइए, आप औसत के बारे में थोड़ा सा जानते होंगे, मैंने पीछे वीडियो बहुत सारे वीडियो डाले हैं, और औसत वाला अगर आपने पढ़ा होगा तो ठीक, नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में और रेलवे टारगेट करके फोल्डर दिया हुआ है वहाँ पर देखिएगा, योग होता है एवरेज इनटू एन, एवरेज इनटू एन कर दीजिएगा ना तो योग हो जाएगा, एवरेज इनटू एन क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा, यानी एवरेज, और जितने संख्या का वह एवरेज है, जितने संख्या का वो एवरेज है उसको गुना कर दीजिएगा तो योग निकल जाएगा। एक बात बताइए, एम संख्या का औसत है एन स्क्वायर, तो औसत दिया है एन स्क्वायर, कै संख्या का, एम संख्या का, तो एम से गुना कर दिए तो योग हो गया एम संख्या का, एम संख्या का। उसके बाद कहता है कि एन संख्या का औसत एम स्क्वायर है, अब औसत एम स्क्वायर है एन संख्या का, तो एन से गुना कर दिए तो एन संख्या का योग हो गया, आ कहता है सब का औसत बताइए, सब का औसत, तो इस सब को जोड़ के कितना संख्या, m संख्या और n संख्या, यानी m प्लस n संख्या, टोटल इतना संख्या हुआ, इससे भाग दे देंगे तो औसत निकलेगा। ऊपर में योग हो गया n संख्या का, फिर m संख्या का योग, दोनों को जोड़ दिए तो m प्लस n संख्या का योग, आयोग में अगर संख्या से भाग देंगे, योग में संख्या से भाग देंगे तो एवरेज निकलेगा, क्यों, क्योंकि योग में ई एन से भाग दे देंगे तो एवरेज निकलेगा, यहाँ एन गुना में था उधर गया तो भाग में, बोलिए योग में एन से भाग तो एवरेज होगा कि नहीं होगा, एम एन इसमें भी है, तो अगर एम एन कॉमन ले लिया जाए तो एम और एन कॉमन लिए तो दू गो एन है तो एगो एन बचा इसमें, अब प्लस बताइए इसमें दू गो एम है तो एगो एम बचेगा, एन तो कॉमन हो गया एम बचा, और नीचे है एम प्लस एन, एम प्लस एन से एम प्लस एन कटा और एम एन हो गया आपका औसत। तो मित्रों जरूर बताइएगा कमेंट करके कि आज का क्वेश्चन आपको पढ़ने में कितना मजा आया या ना आया, जरूर बताना। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, प्रश्न संख्या 76, क्वेश्चन कहता क्या है, क्वेश्चन का कहना है वह धनराशि क्या है जिस पर x बरस का x प्रतिशत वार्षिक दर पर साधारण ब्याज ₹1 होता है। यहाँ पर साधारण ब्याज दे दिया है ₹1, सुन लीजिए रुपया ₹1, और हाँ x बरस में टाइम दिया हुआ है x बरस, आ रेट भी दिया हुआ है x%, आ ब्याज दिया हुआ है ₹1। एक बात पता है, SI निकालने का रूले होता है R into T, SI निकालने का फॉर्मूला है R into T, ये प्रतिशत में ब्याज लाने के लिए, अगर आपने सिंपल इंटरेस्ट मेरा पढ़ा है तो आपको पता होगा, सुनिए, और नहीं पढ़े हैं ना, नहीं पढ़े हैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट,
तो नीचे डिस्क्रिप्शन में अभी मैं लिंक दे दिया हूँ, जाकर देख लीजिए। आइए सबसे पहले एस आई बराबर आर इन टू टी, तो ये आर और ये टी है, इसको गुना कर देंगे तो एक्स स्क्वायर परसेंट हो जाएगा परसेंटेज ब्याज, और जबकि रुपया में ब्याज एक्स रुपया बोला, ये भी ब्याज है ये भी ब्याज है, दोनों ब्याज है इसलिए आपस में बराबर, दोनों ब्याज है इसलिए आपस में बराबर, ब्याज ब्याज के बराबर। अब एक्स स्क्वायर परसेंट का वैल्यू एक्स है, आपको जब भी मूलधन निकालना हो तो 100% का मान निकालना पड़ेगा, तो एक्स बट्टा इतना गुने हो जाएगा 100। अब बताइए यहाँ पर नीचे में दो गो एक्स है तो एगो कट जाएगा ऊपर वाला से, आपको 100/x हो गया। तो चलिए अच्छा ये नहीं समझे, एक्स स्क्वायर मतलब एक्स गुने एक्स, तो एक एक्स एक एक्स कटेगा, एगो एक्स नीचे में बचेगा, 100/x आपका मूलधन हुआ, तो आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। दोस्तों आज मैं इस वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं कर रहा हूँ, ये वीडियो थोड़ा छोटा ही रहेगा, और थोड़ा सा क्या होता है कि वीडियो को अपलोड करने में समस्या तो कम, लेकिन इसका एडिट करने में थोड़ा सा परेशानी होती है, ज़्यादा वीडियो बड़ा होता है तो, इसलिए आज की वीडियो थोड़ा छोटा ही रहेगा। और हम मिलते हैं फिर अगली वीडियो में और सारे क्वेश्चन को लेकर, आगे का क्वेश्चन और कराने वाले हैं, तो वीडियो को लगातार देखिएगा। और मैं मिसलेनियस इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि हर टाइप के क्वेश्चन आपके दिमाग में सेट हो और आने वाले एग्जाम में आपको फ़ायदा पहुँच जाए। तो चलिए एक बात और, सिंपल इंटरेस्ट का यहाँ लिंक दे दिया है मैंने डिस्क्रिप्शन में, जाकर देख लीजिए, अच्छा से सीख जाइएगा। आप में अगर एक भी सवाल बनाने का क्षमता नहीं है फिर भी आप बना सकते हैं, पार्ट 1 से ज़रूर देखिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।